आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब के भाई का केस था, जो वो मगवी था वो अपने घर पहुंच गए हैं बाहिफाजत, उनकी गाड़ी भी पहुंच गई और दो मोबाइल थे उनके पास आईफोन, वो भी पहुंच गए। वो जो वापस आए हैं उनकी सेहत ठीक है, वो खुद क्या बता रहे हैं, किस वफाकी इदारे के पास है, क्या कुछ बताया? वो ट्रामा में है। अच्छा, इस वक्त शदीद मेंटल स्ट्रेस है उन्हें, वो भी स्टेबल नहीं है, वो बयान देने के काबिल नहीं है, तो उनकी फैमिली उन्हें लेके किसी अच्छे मुकाम पर चली गई है पहाड़ों में, नॉर्दर्न एरिया वगैरह। टॉर्चर वगैरह कोई फिजिकल नहीं, फिजिकल टॉर्चर वगैरह जो उनकी फैमिली के बंदों ने हमें बताया है, हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, कोई फिजिकल टॉर्चर का निशान नहीं है, लेकिन वैसे वो कमज़ोर हैं सेहत के लिहाज से और वो मेंटली जो है वो डिस्टर्ब है। अच्छा राणा साहब ये बताएं, कोई मेडिकल आप चाह रहे हैं कोर्ट से, कोई मेडिकल एक्सपर्ट किसे चाहिए? तो देखें, जब वो स्टेबल होंगे तो जाहिर है कि हम कानून के मुताबिक हम कंप्लेनेंट हैं इस मुकदमे में। अभी तो जो है ना, कंप्लेनेंट ने जो उनका बेटा था उनकी तरफ से हमने वो स्टेटमेंट फाइल कर दी है, मजिस्ट्रेट को रूबरू और पुलिस को भी दे दी है, तो जब वो स्टेबल होंगे तो वो फिर उनसे हम बयान अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा राणा साहब, जब भी कोई ऐसा वाक़ होता है, हाल ही में हमने देखा है कि जब अदालतें हुक्म देती हैं कि बंदा जल्दी ले आए, प्रोड्यूस करें हर तरह से, तो बंदा घर पहुंच जाता है, तो क्या जज साहब ने कभी बुला के पूछा नहीं है कि आप लोगों को कहां रखा गया या आप दरख्वास्त वापस क्यों ले रहे हैं, क्या वजह है, क्या बना? नहीं, दरख्वास्त वापस नहीं किसी ने ली है, तो ये बात, दरख्वास्त यहाँ थी हेबियस की, हेबियस की जो पटिशन होती है वो सिर्फ रिकवरी की हद तक होती है, उससे इस बात का कोई गर्ज नहीं होती कि आया उस वो क्यों मतलूब था, उसके साथ क्या हुआ है, वो कानूनी तौर पर उसे मतलूब था या नहीं था, उसके लिए अलहदा कवानीन है, उसके तहत जो है ना जी, वो जो मगवी है वो अपने बयान दे के कार्रवाई कर सकता है, मजीद आगे मुकदमा मजीद रजिस्टर हो सकते हैं, इसी मुकदमे में भी और दफ़ात ऐड हो सकते हैं। ये बताएं सर, ये बताएं कि ये आपने लाहौर हाई कोर्ट से केस वापस क्यों लिया था और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों आए थे? जी, लाहौर हाई कोर्ट में ये 38 डेज़ ये हमारा केस चला है, वहाँ जस्टिस अमजद रफ़ी साहब की अदालत ने, और उन्होंने बहुत मतलब परसू किया और उन्होंने बड़े अच्छे ऑर्डर किए, लेकिन वहीं हमें पता चला उनके जो भाई हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्हें फ़ोन गया अनआइडेंटिफाइड कॉल जो गई नो कॉलर आई डी से, उन्हें कहा कि आपके जो भाई हैं वो हमारे पास हैं और इस्लामाबाद में हैं, उन्होंने लोकेशन बताई, उन्होंने कहा जी आप जो है ना जी ये जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें वो बाद आ जाएँ, इससे वीलॉग वगैरह आप ना करें, तो हम आपका भाई जो है ना रिलीज़ कर देंगे, वो हमारे पास है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की लोकेशन जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल को अमेरिका में बताई गई थी, तो उस उनकी ईमेल की बुनियाद पर, और उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो उस इन्फॉर्मेशन को लेके हम जो है ना जी इस्लामाबाद में आए, और वही इन्फॉर्मेशन हमने लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट की थी, जिसकी बुनियाद पर हमें इजाज़त दी गई वहाँ से रिट विड्रॉ करके हम यहाँ पर। मियां एहसान साहब, आपसे सवाल है, आप लाहौर हाई कोर्ट को कई दहाइयों से ही देख रहे हैं और आप वहाँ पे पेश भी होते हैं, तो कोई आपको, आप इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर है बहुत स्पेशल केसेस करने के लिए आते हैं, ज़्यादा तो आपकी प्रैक्टिस लाहौर हाई कोर्ट में है, तो कोई आपने फ़र्क भी देखा है इस केस में या और केसेस में लाहौर हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद कोर्ट के अप्रोच में? बड़ा आपने ये क्रूशियल सा सवाल कर दिया है, बहुत फ़र्क है। देखें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज, मैं समझता हूँ अब 7 हो गए, 7 जजेज जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के 52 जजों से सारे बेहतर हैं। मैं माजर के साथ कहता हूँ, ये कुछ तोहनी अदालत वाली मामला नहीं है, अगर लगानी है तो लगा लें, वो मुझे ये भी डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये कि किस तरह जजों को मैनेज किया जाता था और किस तरह जज मैनेज होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो थोड़े से स्टेप आगे नहीं ले रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली हमें इतला मिली कि वो मगवी जो है वो इस्लामाबाद में है, तो हम आए हैं, तो यहाँ से हमें रैपिड जो है ना रिज़ल्ट मिला है और अल्लाह के फजल से हमें वो रिलीफ मिल गया जो हमें लाहौर हाई कोर्ट से 38 डेज में ना मिल सका। लाहौर हाई कोर्ट में चंद जज ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए हमें नज़र आते हैं और बड़ी दिलेरी से जो है ना जी वो उन्होंने लोगों को भी रिलीफ दिया है और फैसले भी कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी की जो सूरत हाल है वो जैसे मियाँ साहब ने कहा वो आलमोस्ट वैसी।
5-6 जजेज हैं, मैं नाम भी ले देता हूँ। हमारे जस्टिस अफजल रफीक साहब हैं, एक जस्टिस अनवार पुन्नू साहब हैं, तारक सलीम साहब हैं, तारक नदीम, जस्टिस तारक नदीम साहब हैं, शाहिद करीम साहब हैं। ये शाहिद करीम साहब तो खैर उन्होंने देख वो सेठ वाला जो वकार सेठ वाला उसमें भी जज नहीं तो ये जो जस्टिस अनवार हसन साहब हैं, ये जज हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि वो हमारे हाईकोर्ट को, लाहौर हाईकोर्ट को संभाले हुए हैं। बाकी जजेज, मैं नहीं ये कहता कि वो जजेज नहीं हैं, लेकिन वो उनको वो कर्जी स्टेप लेने में थोड़े से कमज़ोर नज़र आए हमें हमेशा से। तो जो जजेज को हाईकोर्ट का एक मुद्दा होना चाहिए और जो लोग हाईकोर्ट से उम्मीद लेके आते हैं उनको वो उम्मीद ना नहीं मिलती तो फिर मायूसी होती है। सर ये बताएं कि जो जस्टिस आली नीलम साहब हैं, इनकी अप्रोच जस्टिस मलिक शहजाद साहब वाली होगी या जस्टिस अमीर भट्टी वाली होगी? देखिए मैं आपको बताऊं, आलिया नीलम साहबा के एक खातून जज हैं, पहली चीफ जस्टिस हैं, मेरे ख्याल में ये उनसे थोड़ी सी मुख्तलफ हैं और होंगी। अगर इन्होंने अभी साबित करना है अपना आप, देखें ये अभी एक बड़ा इम्तहान है इनके लिए, ये जो ट्रिब्यूनल वाला मसला है जो कि कंट्रोवर्शियल हुआ था जस्टिस शहजाद मलिक साहब के लिए, तो अब देखते हैं इनका बड़ा इम्तहान है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहना कबल वक्त होगा कि ये परफॉर्मेंस में बेहतर होंगी या उनसे वही कंट्रोवर्सी में चली जाएंगी, तो ये अभी कहना मुश्किल है। आखिरी सवाल ये है कि आप, क्योंकि ज़ाहिर है आप वकला को लीड भी करते हैं, आपका बार में भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस भी है, वर्थ है आपकी, बड़ी एक बड़ी ताकत है बार में भी, ये काजी फैज साहब जो है अभी तक वो एक्सटेंशन लेने के लिए बड़े डेस्परेट नज़र आते हैं, तो अगर काजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत गैर आइनी काम करती है, जैसे मिसाल के तौर पर अब हुकूमत के अंदर ये बातें भी चल रही हैं कि जितनी इस वक्त पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है उसके 2/3 पे आप तरमीम कर दें, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है, आइन में वाजे लिखा हुआ है कि कुल ऐवान के 2/3 जो है वो कर सकते हैं। अगर इस तरह का हुकूमत गैर आइनी काम करती है और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है तो आप वकला का इस पर क्या रद्देअमल होगा? डेफिनेटली वकला हमेशा रूल ऑफ लॉ और आइन के साथ खड़े हुए हैं और देना चाहिए भी। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है कुछ अरसे से कि कुछ वकला के हमारे जो धड़े हैं उनको गवर्नमेंट ने या तो अप्रोच कर लिया या उन्होंने विन ओवर कर लिया है। आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब के भाई का केस था, तो गुज़िश्ता पेशी जो 2/8 पर थी, जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने एक डिटेल ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने आज के लिए पाबंद किया था कि डेटनो को हर कीमत पर जो है वो पेश किया जाए, और पिछले ऑर्डर में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और काबीना की जिम्मेदारी के मुतल्लिक भी अपने ऑर्डर में तहरीर कर दिया था कि ये इस किस्म की जो है जो डिसअपीयरेंस है इनके ज़िम्मेदार ये लोग हैं, स्टेट ज़िम्मेदार है, स्टेट इनकी कस्टोडियन है, स्टेट ने फंडामेंटल राइट का तहफ़ करना है। वो डिटेल आर्डर है, वो आप दोस्तों की नज़र से गुजरा होगा। बहरहाल उस आर्डर की रिस्पेक्ट के नतीजा में 2 तारीख को आर्डर हुआ है, वो गालबन सुबह को 10-11 बजे समाप्त हुई है और 4 बजे के करीब ऑर्डर जारी हुआ है। तो शाम को उसी दिन कोई 7:30 बजे के करीब जो वो मखबी था वो अपने घर पहुंच गए हैं बाहिफाजत, उनकी गाड़ी भी पहुंच गई और 2 मोबाइल थे उनके पास, आईफोन, वो भी पहुंच गए। तो आज हमने अदालत का उसका अदालत के नोटिस में ये चीज़ लेके आए, अदालत का शुक्रिया अदा किया और हमने कहा जी कि वो डेटनी जो है वो अब हमारे पास पहुंच गया है, तो उसके मुतलक हमने जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जो इन्फॉर्मेशन फाइल की थी, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, वो भी हमने कोर्ट में सबमिट कर दी है।